नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की दिन की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। सौर ऊर्जा से स्वरोजगार, 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए हिम ऊर्जा ने मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट लगाकर बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार की राह आसान होने जा रही है। हिमाचली मूल के लोगों को 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए हिम ऊर्जा ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10 से 27 जनवरी तक इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोजेक्टों का आवंटन किया जाएगा। वहीं वर्ष 2018-19 और 19-20 में प्लांट लगाने वाले इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। ग्रिड से कनेक्टेड होने वाले इन प्लांट से राज्य बिजली बोर्ड सोलर पावर खरीदेगा। हिमाचल प्रदेश में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन के लिए हिम ऊर्जा नई योजना लाया है। योजना में कम से कम 250 किलोवाट और अधिकतम 1 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। इससे जहां रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वहीं बंजर पड़ी निजी भूमि को भी उपयोगी लाया जा सकेगा। इन परियोजनाओं की स्थापना निजी भूमि पर की जाएगी। कवायद जम्मू कश्मीर से सटे सीमांत इलाकों पर सीसीटीवी से रहेगी नजर। जम्मू कश्मीर से लगते चंबा के बॉर्डर की हर गतिविधि पर पुलिस जिला मुख्यालय चंबा से नज़र रखेगी। सरहद पर लगे सीसीटीवी को इंटरनेट के जरिए कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा है। अभी तक 114 सीसीटीवी लगे हैं, जबकि 46 कैमरे और लगाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां से जम्मू कश्मीर से सटे बॉर्डर और जिले के सभी उपमंडलों पर होने वाले आपराधिक घटनाओं पर नज़र रखी जाएगी। बैरागढ़ और लंगेरा में पुलिस की चेक पोस्ट है। यहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। यहां से आतंकी घुसपैठ की संभावना रहती है, इसलिए यहां से गुजरने वाले हर वाहन और राहगीर की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। छात्राओं से अश्लील बातें करने का मामला, आरोपी कार्यकारी प्रिंसिपल भेजा जेल, मोबाइल खोलेगा कई राज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू में स्थित सीमा कॉलेज में छात्राओं के साथ फोन पर अश्लील बातें करने के आरोप में गिरफ्तार कार्यकारी प्रिंसिपल को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने रिमांड का समय पूरा होने के बाद आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने प्रिंसिपल के फोन को कब्जे में लेने के बाद फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया है। वहीं फोन की कॉल डिटेल से कई राज खुल सकते हैं। नौकरी वापिस दो, अस्थाई सफाई कर्मियों ने ज्वालामुखी एसडीएम कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी अस्पताल के अस्थाई सफाई कर्मियों को निकालने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कर्मियों ने काले झंडे लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और अब सभी अस्थाई कर्मी एसडीएम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते नजर आए। उनके साथ समाज सेवी केडी राणा व शेर सिंह भी साथ रहे। अस्थाई कर्मियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और कहा कि उनकी नौकरी उन्हें वापस दी जाए या उन्हें जहर दे दिया जाए। इसके बाद कर्मियों ने एक पत्र एसडीएम कार्यालय में दिया और मांग किया कि उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, इसलिए उनकी नौकरी पहले की तरह नियमित की जाए। वे ठेकेदार के अंतर्गत कार्य नहीं करना चाहते हैं। अस्थाई कर्मियों ज्योति और नरेश ने बताया कि सभी 9 कर्मियों को 1 जनवरी से सिविल अस्पताल ज्वालामुखी से निकाल दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि ठेकेदार से संपर्क करो, लेकिन ठेकेदार हम सभी में से 2 ही लोग रख रहा है, बाकी अपने कर्मी रख रहा है। ऐसे में उनका रोजगार छिन रहा है और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। चयनित होने के 2 महीने बाद भी नहीं मिली भाषाध्यापकों को नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सरकार रोजगार देने के बजाय युवाओं से भद्दा मजाक करी है। पोस्ट कोड 814 के तहत हमीरपुर चयन आयोग ने 229 पदों पर भाषाध्यापकों को 12 नवंबर 2021 में चयनित किया है, जिसमें से केवल 4 जिलों में 29 भाषाध्यापकों को नियुक्ति दिया, जबकि 200 भाषाध्यापक लगभग 2 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कमीशन पास करने के बाद भी नियुक्ति न मिलना सरकार व शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही इन भाषा अध्यापकों पर भारी पड़ रही है। 200 भाषा अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने कमीशन ने चयनित किया है, लेकिन अब स्कूलों में पद खाली न होने के कारण इन्हें नियुक्ति ही नहीं मिल पा रही है। भाषा अध्यापकों को SMC के अंगेंस्ट नियुक्ति दी जानी है, लेकिन सरकार SMC को लेकर कोई नीति नहीं बना पाई है, जिससे भाषा अध्यापकों की नियुक्ति अधर में लटक गई है। गुणवत्ता पर सवाल, स्कूली विद्यार्थियों को बांट दी स्टील की टूटी फूटी बोतलें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जा रही स्टील की पानी बोतलों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ गई है।
मंडी जिले के कई स्कूलों में बच्चों को बांटी जा रही पानी की बोतलें टूटी हुई हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सरकारी स्कूलों में बोतलें बांटी जा रही हैं। हिमाचल के 9वीं कक्षा के 90,000 विद्यार्थियों को बोतलें दिए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तस्वीर लगी इन बोतलों को मंडी जिले के कई स्कूलों में बांटा गया। कई विद्यार्थियों को इस दौरान तले से टूटी हुई बोतलें मिली, खराब मिली। इन बोतलों को बदलने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं लंबे समय बाद स्टील की बोतलें प्राप्त करने वाले बच्चे अब स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। HPU शिमला ने नए साल में शुरू की बंपर भर्ती, 274 पदों के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए साल में विभिन्न श्रेणी के 274 पदों को भरने के लिए बंपर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने BC और D श्रेणी के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 7 जनवरी से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। पोर्टल आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इन पदों के लिए आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में वर्ष 2020 में विज्ञापित किए गए पदों को पुनः विज्ञापित किया गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुनील शर्मा ने साफ किया कि 2020 में विज्ञापित किए गए पदों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके पूर्व में किए गए आवेदन ही स्वीकार्य किए जाएंगे। हिमाचल शिक्षक महासंघ कंप्यूटर और SMC शिक्षकों के लिए बनाई जाए स्थायी नीति। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडी ने कंप्यूटर और SMC शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है। मंगलवार को राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इन पदाधिकारियों ने समान काम के लिए समान वेतन देने की वकालत की है। पवन मिश्रा ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नए वेतनमान की अधिसूचना जारी करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बाद की स्थितियों को संभाल के रखा और अपने कर्मचारियों को उनके हक दिए। इसके अलावा संघ ने कहा कि 20 वर्षों से अधिक समय से कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी सेवाएं बहुत ही कम वेतन और खराब आर्थिक स्थितियों में कंपनी के माध्यम से दी। प्रदेश में SMC पर तैनात शिक्षक भी अपने लिए स्थायी नीति की उम्मीद में बैठे हैं। कई वर्षों से विद्यालयों में वोकेशनल अध्यापकों को भी कम वेतन में काम करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सचिव ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की ओर से उठाए गए अन्य 12 मसलों का भी जिक्र किया जो हाई पावर कमेटी को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त स्नातक अध्यापकों को पदोन्नति में मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य बनने की दोनों ऑप्शन दी जाए। कैबिनेट मीटिंग, 20,000 कर्मचारियों का फैसला कल, कोरोना बंदिशों पर लगेगी मुहर। CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल सुबह 10 बजे कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग COVID-19 पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में बंदिशें लगाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी लंबे अरसे से लटका आउटसोर्स कर्मचारियों के रेगुलर होने का मामला भी उठ सकता है। साथ इस मामले पर कोई फैसला भी हो सकता है। वहीं 20 साल बाद हिमाचल को नई खेल नीति मिल सकती है। खेल महाकुंभ को लेकर भी खेल विभाग कैबिनेट में अपनी प्रस्तुति देगा। नई खेल नीति कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी। वहीं इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाल पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके लिए पहले ही कमेटी का गठन किया जा चुका है। वहीं पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड 8 के बजाय 2 साल में देने की मांग पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के भत्तों पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। इसके अलावा स्वर्णिम दृष्टि पत्र की घोषणाओं के कार्यान्वयन पर भी कैबिनेट में समीक्षा हो सकती है। इसके अलावा अगले बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट में विचार विमर्श किया जा सकता है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।